आप सभी क्रिकेट प्रेमी भाइयों का हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बड़े मुकाबले के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट का एक और बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अभी तक हमें बताया नहीं गया था कि इस टीम में स्टार प्लेयर कौन कौन है, लेकिन अब हमें सूचना मिली है। स्टार प्लेयर खेलने के लिए आ चुके हैं यूनिक इमरान भाई, राजस्थान टेनिस क्रिकेट का एक नामचीन चेहरा। बहुत बहुत स्वागत है इमरान भाई का सबसे पहले तो। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और इस मुकाबले का लाइव आनंद लें। एक बड़ा मुकाबला है बड़े लेवल पर। 24 अप्रैल को मैच का दूसरा मुकाबला। सभी से निवेदन है कि जुड़े जल्द से जल्द और इस बड़े मुकाबले का लाइव आनंद लें। यूनिक इमरान भाई ब्यावर से खेल रहे हैं इस मैच में। पहला ओवर प्रगति पर ये नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर के इशारा नो बॉल का अतिरिक्त के सहारे रन स्कोर। थैंक यू मिस्टर संदीप वर्मा। एक रन लगते देख अंदर चलने देना, अच्छा था पहला वाला। सभी भाइयों से निवेदन है कि इस बड़े मुकाबले को शेयर जरूर करें। तैयार है बॉलर अपने बॉलिंग रन पर। राइट हम ओवर द विकेट वे गेंद। अच्छी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर इमरान भाई। सीधे विकेट के पर रिजवान है गेंदबाज। कोई रन नहीं, रिजवान वर्सेज इमरान। स्कोर अभी एक रन। यहाँ पे उठा के खेला इस गेंद को, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। वन बाउंस, टू बाउंस, बाउंड्री के बाहर। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। चार रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा। अच्छा पहला चौका आया है यूनिक इमरान भाई के बल्ले से। से निकल करके गेंद के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग रन पर। ये गेंद अच्छी, एक और अच्छी गेंद। कोई रन नहीं। धन्यवाद मिस्टर बशीर खान। इस बार फिर से दिशाएं गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। गेंद को उठा के खेला है इमरान भाई ने, एक और शानदार बाउंड्री के लिए। चार रनों के लिए अच्छा शॉट, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। टीम का स्कोर। राम राम सर। मिस्टर बीपी सिंह राजनोता अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। प्यारी बिटिया शांत शेखावत, आदरणीय भाभी साहब पूजा जी शेखावत, सभी का स्वागत। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है इमरान। रिजवान चले राइट आर्म ओवर विकेट। एक और खूबसूरत शॉट और ये गेंद भी चल पड़ी मैदान की तरफ बाहर। सीधे कमेंट शानदार चार रनों के लिए, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। अच्छी बैटिंग इमरान के द्वारा। दूसरा चौका, तीसरा चौका बल्कि उस ओवर में उनके बल्ले से निकलने वाला तीसरा चौका। पहले ओवर से 14 रन आए हैं, जिनमें से 12 रन इमरान भाई के बल्ले से, 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हुई है पहले ओवर में। बलवंत सिंह बीच में खुले। सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और इसे शेयर जरूर करते रहें। अच्छी लगती है। दो मंगल राजपूत ने क्रिकेट क्लब ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। फील्डिंग कर रही है संदीप शेखावत। मोहन प्राय काफी अच्छा मैच देखने को मिला था आज के दिन का पहला मैच भी और आज का दिन के दूसरा मैच। और गेंदबाजी करने आ रहे हैं त्रिलोक। त्रिलोक आए हैं गेंदबाजी टेक पर। सामना करेंगे बलवंत सिंह। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पुश भर किया। जी हाँ श्याम जी, अभी आपके कमेंट का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा वेट करें प्लीज। गेंद को फीड किया, कोई रन नहीं। धन्यवाद। 3 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले दो, उसका दूसरा ओवर। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है यहाँ पर। शानदार शॉट, शानदार। 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए पहला छक्का आया है। जैसे भी देखा गेंद ओवर पिच है,
शानदार बल्लेबाज बलवंत सिंह रावत के बल्ले से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। बलवंत बल्लू मैच का पहला छक्का आता हुआ और अपना खाता भी उन्होंने छक्के से खोला। राजेंद्र चौधरी का मैच अब देखते कब होता है, अभी डिसाइड हुआ नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि इस बड़े मुकाबले को शेयर जरूर करते रहे। स्कोर 21 रन। एक बार फिर से बहुत ही शानदार शॉट खेला है, एक और खूबसूरत बाउंड्री 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मुकाबले में एक प्लेयर खेल रहे हैं नेपाल से। जी हाँ, जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं भरत बिष्ट, वो पड़ोसी मुल्क नेपाल से हैं। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग और बल्ले में संपर्क नहीं, बाकी काम पूरे किया विकेट कीपर ने। मिस्टर भरत बिष्ट का बहुत बहुत स्वागत है जो नेपाल से हमारे साथ आए हुए हैं खेलने के लिए। दुर्गाराम जी चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हैं न्यू केसरी डीजे साउंड सिस्टम। रन ऑन और मिड विकेट, दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इस बीच अगली गेंद खेलता है, बहुत ही शानदार शॉट खेला है, गेंद में जा रही है गेंद, लेकिन लेफ्ट साइड पर फील्ड तब तक गोल करके गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर की कमी नजर आई शॉट में। टीम का स्कोर बढ़ता है 26 रन बिना किसी नुकसान। टीम का स्कोर 26, हमारा स्कोर 226। थैंक यू सभी को। प्रदीम भाई 26 तारीख को खेलने के लिए आएंगे। कॉम्बिनेशन, सभी भाइयों से निवेदन है कि शेयर जरूर करते रहें, बड़ा मुकाबला है बड़े सितारों के साथ। समझ जाते हैं यारों, प्लेयरों की लिस्ट हमें मिली नहीं थी इसलिए हमने पहले बताया नहीं, वरना हम पोस्ट में डाल देते ये लिस्ट। चलो राइट आर्म पावर डाल के खेल गए, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्ले का निचला किनारा लगा, बैट का अंदरूनी ने किनारा लेते हुए गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र पर, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद एकदम सफल और सुरक्षित अच्छा शुरुआत मिल चुकी है। क्रिकेट में देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के द्वारा। चेन्नई प्रशांत बिसोनिया नहीं खेल रहे आज। ताबड़तोड़ शुरुआत राजपूताना क्रिकेट क्लब की ओर से, दोनों ही बल्लेबाज। भीम देवगढ़ टेनिस क्रिकेट ग्रुप हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, स्वागत आपका। विकास शर्मा आए हैं गेंदबाज, फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए। और दोस्तों एक बार कैमरे पे जरूर दिखाएंगे, ये है हमारे भाई मिस्टर भरत बिष्ट। भरत भाई स्वागत आपका। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भरत बिष्ट पड़ोसी मुल्क नेपाल से हैं। परिवर्तन, विकास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बलवंत सिंह। विकास राइट आर्म ओवर द विकेट, बलवंत सिंह के लिए अच्छी, बहुत ही शानदार शॉट खेला है बलवंत बल्लू ने। बलवंत का बल्ला चला और गेंद को भेज दिया बहुत दूर, शानदार छक्का बलवंत सिंह के बल्ले से। वाह भाई बलवंत का बल्ला छक्का आता है, माशा अल्लाह। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ दंडनाता हुआ 32 रन बिना किसी नुकसान को। विकास एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे बलवंत। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये छोटी गेंद है और वाइड बॉल का इशारा, अंपायर के दोनों हाथ में वाइड का इशारा है। एक और अतिरिक्त रन और फर्स्ट बाउंस। जी नहीं यारों, इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, नदीम भाई और आदिल भाई एक टीम में है या नहीं है। सभी भाइयों से निवेदन है कि इसे शेयर जरूर करें। अच्छी और यहाँ पर गलती कर बैठे बल्लेबाज, ये लीजिए पहली सफलता हाथ लगी है। विकास ने दिलाई पहली सफलता बलवंत के रूप में। जो खतरनाक बल्लेबाज थे बलवंत सिंह, उनको पहले इनकी राह दिखाई। कैच किसने पकड़ा, पहले विकेट 17 के स्कोर पे खतरा हुआ है पहले विकेट का। राजपूताना क्रिकेट क्लब का वाजिद राणा नहीं खेल रहे हैं। सिविल लाइन्स का मैच 26 तारीख को है, अब टाइम कितने बजे होगा ये अभी जानकारी नहीं हमारे पास इस बारे में। पहली सफलता मिलती हुई संदीप शेखावत। भाई ये पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी है उनकी लाइट बंद कर दीजिए। और बलवंत सिंह धन्यवाद सभी को, निकले गए हैं इस लाइव प्रसारण को शेयर करने के लिए आपका आभार।
बहुत ही बढ़िया गेंद। काना सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब बैट्समैन नेम काना सिंह। एक बार फिर से विकास चले। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद को अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छा विकेट के उस ओवर में एक सफलता भी हाथ लगी है। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है विकास के द्वारा। और बलवंत का स्थान लेने के लिए आए हैं काना सिंह। एक बार फिर से राइट आर्म अगर विकेट, उनकी अच्छी गेंद थी। स्लो बार कैप्टन मिश्रा। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर अभी भी टिका रहा। भाई का मैच 26 तारीख को है। रन एक विकेट के नुकसान पर। विकास एक बार फिर से इसी बीच काना ने बल्ला चलाया है और गेंद को बहुत ज्यादा दूर अंधेरे में पहुंचाया है शानदार 6 रनों के लिए। वाह भाई काना, काना ने किया कमाल। शानदार गगन चुम्बी छक्का और छक्के के साथ अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया है काना सिंह ने। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर 39 एक विकेट के नुकसान, 2 विकेट के नुकसान के बाद या एक सॉरी एक ही विकेट गिरा, माफ कीजिएगा। टीम का स्कोर 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं मिस्टर एहसान अली जी गांव डांगावास से, अमूडा के बाबा। थैंक यू एहसान जी। अपना खाता भी 6 रनों से खोला है। लॉर्ड सर टूर्नामेंट चल रहा है भाई साहब लाइव विद कासिम चैनल पर। अगर संदीप माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है मिस्टर रविशंकर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। बोला नेम रिजवान मंसूरी। टाइम डिसाइड नहीं हुआ अभी नदीम भाई के मैच का। थैंक यू मिस्टर शाहरुख। स्वागत है मिस्टर सदाम खान कलरू। बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया शॉट। शानदार शॉट ऑफ साइड पर खेला मुराश। लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। पल्लू राजा ने एक रन पूरा किया। राम राम साहब। बड़े भाई साहब गिरधर जी भिंचर हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं बीसीसी बोरावड से। राज पटाना क्रिकेट क्लब के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए इनाम की घोषणा है कि जो बल्लेबाज 3 छक्के लगाएगा उसके लिए ₹500 का पुरस्कार दिया जाएगा। कमल जी और शेरी जी के द्वारा बहुत अच्छी गेंदबाजी। कमल शेरी के द्वारा ₹500 का इनाम जो भी खिलाड़ी छक्का लगाएगा। बाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त के सहारे एक और रन आया एक्स्ट्रा के रूप में, वाइड के रूप में रन आया है। एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं रिजवान। लंबे कद के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। काना को गेंद रिजवान की समझ नहीं पाए काना। इस बार काना का वार गया खाली। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में, कोई रन नहीं। दोनों बॉल डॉट हुई है। 3 बॉल डॉट हुई है। एक बार फिर से रिजवान तैयार अपनी बॉलिंग रन पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से छोटी गेंद मिली है और इस गेंद को काना जी ने बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन कोई शानदार 4 रनों के लिए खेला इस गेंद को। राजू बॉल कितनी। टीम का स्कोर बढ़ता। थैंक यू मिस्टर 45 रन। भीम देवगढ़ टेनिस क्रिकेट ग्रुप। वाजिद राणा नहीं खेल रहे हैं आज। एक बार फिर से रिजवान की यहाँ पे गलत शॉट खेल लेने का नाम और बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे भरत बिष्ट का, लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए। तब तक फील्डर पहुंचते विकेट कीपर निकल के पहुंचते गए। अच्छा प्रयास, कोई नुकसान नहीं। पानी क्या। राम राम साहब मिस्टर राकेश कुमार। एक बार फिर से तैयार। नहीं, जोधपुर की टीम नहीं है नरेश जी बिश्नोई। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही कमाल की टीम थी आपकी मुंबई इंडियंस। आपने पहले ही बताया था मना किया इस टीम के बारे में। ओवर की समाप्ति बहुत ही 4 ओवर की समाप्ति के शानदार तरीके से अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। वाजिद राणा कब खेलेंगे यारों, ये तो केवल वाजिद राणा को ही पता है।
चार ओवर की समाप्ति, स्कोर 44 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। जी बिल्कुल रूप नारायण जी, लाइटिंग तो बहुत ही कमाल की, आपने सही याद दिलाया। लाइटिंग व्यवस्था की जा रही है इस ग्रुप के द्वारा, परफेक्ट लाइटिंग सॉल्यूशन, हाई क्वालिटी फ्लड लाइट। अभी तक पानी नहीं है। सामर लेक जयपुर, मिस्टर अभिषेक, मिस्टर नसीम उस्मानी और मिस्टर अनिल जी स्वामी, इनके द्वारा ये शानदार लाइटिंग व्यवस्था की गई है इस टूर्नामेंट में। सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे ये लीजिए मिली सफलता, इमरान भाई आउट होके बाहर, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और दूसरा विकेट गिरा यहाँ पर। दूसरे विकेट का टाटा है राजपूताना क्रिकेट क्लब का, इमरान आउट होकर के आ रहे हैं। दीपक भाई का मैच 26 तारीख को है। कीपर नेम भरत सिंह बिष्ट, भरत सिंह बिष्ट ने शानदार कैच लिया है हमारे विकेट कीपर नेपाली शानदार कैच किया। और विकास शर्मा को मिलने वाली है दूसरी सफलता, दोनों ही सफलता विकास ने अपनी टीम को दिलाई है। थैंक यू मिस्टर भरत बिष्ट, बहुत बढ़िया कैच लपका आपने। भैया बैट्समैन नेम मुकेश सिंह रावत, सोल्जर मुकेश सिंह रावत आए हैं बैट्समैन, अब मुकेश सोल्जर। दीपू भाई खेलेंगे सिविल लाइन्स 11 की तरफ से, में कुछ परिवर्तन करते हैं। एक लेफ्ट हैंडर आउट हुआ तो उनका स्थान लेने के लिए भी लेफ्ट हैंडर गए हैं और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी काफी मकसद करनी पड़ती है टीम को। विकास की गेंद अच्छी, बहुत शानदार तरीके से खेला इस पहली गेंद को बल्लेबाज मुकेश सिंह रावत ने, चार रनों के लिए अच्छा चौका, बहुत बढ़िया शॉट मुकेश सिंह के द्वारा, चार रनों के लिए शानदार शॉट। रेनवाल के स्टार देखते हैं कब आएंगे अशोक जी। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन दो विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर प्रगति पर है। विकास शर्मा ने कोटे का राकेश कुमार बता रहे हैं इस वक्त नोएडा गए हुए हैं खेलने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दो विकेट जो गिरे हैं दोनों ही विकास ने लिए हैं। नहीं बीकानेर की टीम तो नहीं है। विकास चले राइट आर्म राउंड द विकेट, शूटिंग शॉट खेलने का मन बनाया लेकिन बाद में अपना इरादा बदला। चतुराई पर बल्लेबाजी, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे मारने का प्रयास लेकिन अंतिम क्षणों में अपना इरादा बदला और प्लेट करके दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। टीम का स्कोर सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ 49 49 रन दो विकेट। देश बंधु सिंह ने सोल्जर के लिए राम राम भेजे हैं। पांच ओवर चल रहा है, स्कोर 49 दो विकेट के नुकसान के बाद। संदीप से कहा टीम के कोई भी खिलाड़ी अगर 3 विकेट लेता है तो संदीप जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। सम्मानित शॉट खेला यहाँ पर, की झड़ी लगती हुई। थैंक यू राकेश जी। राकेश जी बता रहे हैं 27 तारीख को बीकानेर का मैच है यार, इस बारे में मेरे पास तो कोई अगर विकेट निकालते हैं 3 तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम है। फिर से विकास, ये तो डेड बॉल है, मृत गेंद घोषित कर दिया गया इसे। विकास तैयार, गेंद काना नहीं समझ पाए इस गेंद को, पूरी तरीके से चकमा गेंदबाजी, गति में परिवर्तन, गति में मिश्रण, स्लो और डाले और गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। अरे भाई ये पार्किंग में जो गाड़ी, एक बार फिर से विकास तैयार है, बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया है शॉट। मेरे आपके क्षेत्र पर फील्ड मौजूद है, दोनों अच्छी फील्डिंग, दोनों दौड़ करके अपने छोर बदले। ओवर की समाप्ति 5 और 50 रन, ये ओवर वाकई कमाल का रहा।
कोई भी गेंदबाज यदि हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार गोर्धन जी नोजल की तरफ से। समाप्त के बाद 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर पवन जी शर्मा को, गैलेक्सी इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर, जिनकी बदौलत यह शानदार आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पवन शर्मा, गैलेक्सी इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। राजू की तरफ घुमाया जाए जी, बिल्कुल ये है हमारे स्टाइलिश एम्पायर मिस्टर राजू गुजर, 5 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्ट्राइक पर है भैया, बोला नहीं अजमेर के प्लेयर खेल रहे हैं मनीष मन्नू भाई, अजमेर जिले के प्लेयर खेल रहे हैं इस मैच में। छोटी गेंद मिली काना सिंह को, लेकिन काना कुछ नहीं कर पाए। थैंक यू मिस्टर नरपत जी भोमनिया, आशीन खान। अगला मुकाबला है अलवर का, फिर से तैयार सुरेश, और इस बार तो काना को बाहर जाना होगा। वाह भाई वाह, बहुत ही कमाल की गेंद थी सुरेश की, क्लीन बॉल्ड होके काना बाहर। काफी देर से मशक्कत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे रन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लीन बॉल्ड। और सुरेश की दूसरी ही गेंद थी, राम राम सा नरपत जी, सीधे मिडिल विकेट। साहबनाथ जी थैंक यू, धर्मीचंद जी गुजर, बलवंत आउट हो गए हैं। 50 रन के स्कोर पर भैया बैट्समैन नेम धन्यवाद। बहुत बढ़िया शॉट खेला है, ग्राउंडेड शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मिस कविता सोनी, जो इस वक्त कनेक्टेड हुई है हमारे साथ पर्वत सर से। कविता जी सोनी, आपका स्वागत करते हैं हम इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। हमारे नागौर जिले के पर्वत सर शहर से जुड़े हैं आप, टीम का स्कोर धन्यवाद आपका। रन 3 विकेट के नुकसान पर जी, नहीं नदीम भाई आज नहीं है। थैंक यू मिस्टर नेमीचंद जी मौर्य। सुरेश की गेंद, अलवर का मैच, ये मैच पूरा होते ही स्टार्ट हो जाएगा। अलवर की पहुंच चुकी है ये गेंद, अच्छी गेंद थी। यादव के नेतृत्व में लॉन्च करना चाहते थे, गेंद और बैट के संपर्क में, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया गेंद थी, यहाँ पे एक रिस्की रन लेने का प्रयास किया और किस्मत का भी साथ मिला मुकेश को। स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 5.5 स्कोर 52 रन। सदाम तबाक का बहुत बहुत स्वागत है, सदाम भाई कनेक्टेड हुए हैं डीडवाणा से, तबाक होटल एंड रेस्टोरेंट डीडवाणा। थैंक यू रामचंद्र जी चौधरी, लोकेश मीणा नहीं खेल रहे आज। अच्छी गेंद थी और दोस्तों अब उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट में कमेंट्री का जिम्मा संभालेंगे मिस्टर अभिषेक शर्मा, स्कोरिंग और कमेंट्री दोनों साथ साथ करेंगे। स्वागत है अभिषेक जी, बता रहे और थैंक यू भैया। 6 ओवर की समाप्ति, रन हुए हैं 52, लॉस ऑफ 3 विकेट। भैया बोला नहीं, रवि है।
अगला ओवर लेके आते हुए रवि टीम की ओर से सात रन लेकर जा रहा है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को आउट साइड पर दौड़ कर दो नहीं बल्लेबाजों ने तब तक एक रन पूरा कर लिया। तैयार बहुत ही बढ़िया बॉल मुकेश सिंह लगातार बूट होते हुए अगली बॉल वापिस रवि की। फिर से रवि चले मुकेश के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट देखते हैं। छह रन शानदार शॉट बहुत ही बढ़िया शॉट रवि का ऊपर डायरेक्ट चली गई तो छह फुल टॉस चार है और टकरा गई कितने भगवान बहुत ही बढ़िया छह रन। अगली बॉल बैट घुमाया था काफी जोर से यहाँ पे मुकेश ने पर बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ देखिए आप लास्ट बॉल पे सिंगल ही आया था। फील्डर मौजूद है वन बाउंस गेंद को फीड किया दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। एक रन इसी के साथ स्ट्राइक ऋतिक भास्कर के भाकर के पास सॉरी। फिर से तैयार है रवि शानदार शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा ओवर कर लिया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। सात ओवर की समाप्ति पर बासठ रन तीन विकेट के नुकसान पर मुकेश सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 बार। टीम की ओर से 18 ओवर लेकर सामना करेंगे हरेपुर। बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पे सुरेश द्वारा रन लेना चाहते थे यहाँ पे मुकेश और उसी के साथ अपना विकेट गवाया मना किया ऋतिक ने। निकल चुके थे मुकेश रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन मुकेश के रूप में मुकेश रन आउट हुए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नॉन स्ट्राइक एंड से निकल चुके थे वो स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके थे लेकिन भैया थ्रो किसने मारा ऋतिक ने देखा भी नहीं और मुकेश तक वापस अपने क्रीज में पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। रनआउट के रूप में अपने विकेट गंवा करके जा रहे हैं वापस छोटे छोटे कदमों से पवेलियन के क्षेत्र में। भैया बैट्समैन कौन है अगले बैट्समैन आए हैं निक्की बहुत ही बढ़िया बॉल एक और लॉन्ग रन के क्षेत्र पर एक रन फील्डर ने गेंद को फील्ड किया वापस थ्रो किया बॉलर को तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। अब मुकेश का स्थान लेने के लिए आए निक्की स्ट्राइक पर पहली बॉल और शानदार छह रन लॉन्ग ऑफ की तरफ पहली निक्की ने अपना खाता छह रन के साथ खोला। पहली बॉल और बड़ा शॉट 69 रन एक बार फिर से सुरेश चले निक्की के लिए
वो गेंद के पीछे दे रो रहे गेंद को रोक पाएंगे नहीं, गेंद को रोकता है और थ्रो किया। थ्रो करते समय बॉल पोल पे लगा, इसी के चलते सिर्फ दो रन मिलेंगे। तीन रन मिले हैं इस गेंदबाज सॉरी दो रन मिले हैं। और ये अगली बॉल नो बॉल, एम्पायर राजू का इशारा नो बॉल के रूप में है। बेस्ट हाइट से ऊपर थी, ऋतिक पुल मारना चाहते थे, बैट पे कनेक्ट नहीं हो पाई और एक रन अतिरिक्त, एक रन दौड़ करके पूरा किया। अगली बॉल ऋतिक, एक बार फिर से सुरेश, ऋतिक ने बल्ला घुमाया और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी विकास द्वारा। और एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। अब वापस स्ट्राइक पे है निकी, देखते हैं क्या कर पाते हैं अगली बॉल पर अपनी टीम के लिए। नुकसान पर आठवां ओवर प्रगति पर निकी सामना करेंगे, एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं। बल्ला घुमाया था काफी तेज और ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 8 ओवर 74 फोर विकेट डाउन। नुकसान पर दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने हैं क्योंकि 2 ओवर शेष है पहली पारी के। अपनी टीम को कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना है तो अगला ओवर लेके आए हैं वापिस रवि। स्ट्राइक पर है ऋतिक, 8-7 बॉलों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। बल्ला चलाया, उतनी शानदार फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेम स्पीड दिखाई मिस्टर रवि ने। रन लेना चाहते थे यहाँ पर मिक्की, लेकिन वापस लौटते समय फिसले, वही कह रहा हूँ गेम स्पीड, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर लेकर के चल रहे हैं। रवि सामना करेंगे। दिनेश चौधरी जी आपको बता रहे हैं कि दीपू लेफ्टी, अभी हमें हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि कौन सी टीम से खेलेंगे, जिस भी टीम से खेलेंगे आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। रवि एक बार फिर से तैयार, लगातार मगर बल्ला घुमाया है यहाँ पे ऋतिक ने, 2 रन के लिए पर मना किया यहाँ पे निक्की ने। मिड ऑफ से फील्डर निकल कर गया, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया विकेट कीपर के दस्तानों में। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके अपने छोर बदले। टीम का स्कोर बढ़ करके हुआ 75 रन 75, लास्ट ऑफ 4 विकेट डाउन। अगली बॉल निक्की है तैयार, फिर से लगातार मगर विकेट रवि की गेंद, अच्छी गेंद, वाइड बॉल इस बार इसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टीम में 76। एक और अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता है 76। फिर से रवि चले लगातार, ये क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पे निक्की को रवि ने, काफी बढ़िया बॉल। समझ नहीं पाए, मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि दीपू लेफ्टी का मैच आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, पर अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वो कौन सी टीम से खेलेंगे। नौ रन बना करके आउट हो रहे हैं लिखते, टीम का गिरने वाला है 5वां विकेट। भैया बैट्समैन नेम आधे टीम डगआउट में वापस, कालू पंडित रवि और अगले बैट्समैन आए हैं कालू पंडित। भाई बल्लेबाज है कालू, शानदार शॉट है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन से संतुष्ट।
फौजी टीम का मैच कब है ये आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, अभी हमारे पास इससे रिलेटिव कोई सूचना नहीं है। 76 और ये उठा दिया है ऋतिक ने, शानदार गेंद और मिड विकेट के क्षेत्र पर स्क्वायर लेग पे कैच आउट हो गए हैं ऋतिक। भैया एक ही कमेंट आप बार बार ना करें, फौजी टीम का मैच भी जल्दी होगा, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि उनका मैच कब है। भैया फील्डर नेम क्या है? सैमी है। नौ ओवर किस वक्त के बाद 77 रन 6 विकेट के नुकसान उतार 77। फाइनल मैच 5 या 6 तारीख के आसपास होगा, टीम की ओर से अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं। भैया स्ट्राइक पे बैट्समैन का क्या नाम है वो, सॉरी नॉन स्ट्राइक। भैया बॉलर नेम, स्ट्राइक है कालू पंडित के पास, धागे मारा है सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ पे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रम पूरा किया। अब आए हैं फैसल खान नए बल्लेबाज, त्रिलोक अपनी पेटी का अंतिम ओवर लेकर के चल रहे हैं। टीपू लेफ्टी का मैच भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, अभी मैच उनका कब है इससे रिलेटिव हमारे पास कोई सूचना नहीं है। एक बार फिर से त्रिलोक, योगेश शानदार शॉट, फैजल मारते ही दूसरे रन के लिए कॉल और मना किया सामने से कालू ने। बालाजी क्रिकेट क्लब का मैच भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, अभी आते ही मैं उन्हें पढ़वा दूंगा आपके कमेंट्स। एक और सिंगल कालू के बैट से, स्कोर बढ़कर हुआ 80 रन। अच्छी गेंदबाजी, विजय स्वामी जी मैंने आपको बताया कि दीपू लेफ्टी का मैच आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, अभी हमारे पास उनके मैच से रिलेटिव कोई सूचना नहीं है। मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए फैसल खान के बल्ले से शानदार छक्का 86 रन। इसी चली गए और इसी ने साथ क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे पहली सफलता मिलती है, फैजल खान ने इससे पिछली वाली बॉल पे छक्का लगाया और उसके बाद सीधा बोल्ड किया यहाँ पे 7 विकेट के नुकसान त्रिलोक ने। बिल्कुल आपको पोस्ट के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि दीपू लेफ्टी का मैच कब है और कितने बजे है। 86 रन 7 विकेट के नुकसान पर त्रिलोक अपनी टीम की ओर से अंतिम ओवर लेकर के अंतिम गेंद लेकर के आएंगे। कौन कर रहा है ये? ऋतुराज ने 2 ओवर में 19 रन दिए, विकेट नहीं मिले, त्रिलोक 1 विकेट मिल चुका है, विकास कुमार को भी 2 विकेट मिले, सुरेश को 1 विकेट मिला है और रवि को 2 विकेट मिले। भैया देखा जाए तो सभी मैच अच्छे थे, सभी मैच एक से बढ़कर एक हुए हैं। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, ओवर के साथ पे। भैया बैट्समैन नेम क्या था? प्रवीण। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन और यहाँ पे राजपूताना टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 86 रन बनाए हैं, 87 रन का टारगेट है, 8.70 की औसत से रन बनाने हैं। अब थोड़ी देर इनिंग ब्रेक, राजपूताना सभी दर्शकों से निवेदन है मिलते हैं 5 मिनट बाद, जुड़े रहिएगा लाइव में हमारे साथ। फील्डिंग सेट करें।
संदीप शेखावत के दोनों ओपनर बल्लेबाज। सभी दर्शकों का वापस स्वागत करता हूं मैं अभिषेक शर्मा और एक मिड विकेट के क्षेत्र रक्षण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बॉल बहुत ही बढ़िया यहां पे राजू पालड़ी के द्वारा। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली बॉल राजू है तैयार, सामने बैट्समैन है इंदर, बैट घुमाया था काफी जोर से, उतनी ही शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं। सामना कर रहे हैं इंदर सिंह, स्ट्राइक बल्लेबाज विकास जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। अगली बॉल गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल, राजू ने एक और बढ़िया बॉल डालते हुए यहाँ पे राजू मारना चाहते थे। राजू पालड़ी की बहुत ही अच्छी शुरुआत, तीन बॉल तीनों डॉट पर शानदार गेंदबाजी राहुल के द्वारा अभी तक देखने को मिली है। इंदर तैयार राहुल की गेंदबाजी का सामना करने के लिए मैदान में, अच्छी गेंद थी, ये लगा बल्ले का बाहरी किनारा इनसाइड एज, कीपर से मिस होते हुए बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई, चार रन। जी बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी चौहान, राजू पालड़ी ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है, चार बॉल में चार रन दिए हैं मात्र। देखते हैं आगे क्या होता है, बैट्समैन इंदर है तैयार। अगली बॉल राजू की, बल्ला घुमाया था इनसाइड एज लगा पर कीपर से जस्ट पहले बॉल गिरा, बहुत ही बढ़िया बॉल अब तक राजू पालड़ी के द्वारा, पांच बॉलों में चार रन दिए हैं अभी तक, काफी अच्छी बॉल कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार, बल्ला घुमाया था इस बार भी इंदर ने पर सीधा फील्डर के हाथ में, कवर के क्षेत्र में कोई रन नहीं। इसी के साथ एक बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ, चार रन बिना किसी विकेट के, बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पे राजू पालड़ी के द्वारा। शैलेंद्र सिंह ना, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद राम स्वरूप जी गोनेर का, आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बॉल डाली है यहाँ पे राजू पालड़ी ने, पहले ओवर में चार रन दिए हैं मात्र। अगला ओवर लेके आए शैलेंद्र और बहुत ही बढ़िया शॉट विकास के द्वारा, यहाँ पे ऋतिक ने बहुत बढ़िया शॉट मारा था यहाँ पे विकास ने, पहली बॉल और पहली बॉल से आए शैलेंद्र की से दो रन। टीम का स्कोर बढ़ता है छह रन। एक बार फिर से अगली बॉल शैलेंद्र की, देखते हैं विकास क्या कर पाते हैं। ये लीजिए रिवर्स स्वीप में मार दिया है सीधा, एक नहीं दो नहीं पूरे छह रन मिलेंगे यहाँ पे, शानदार छक्का देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे विकास के द्वारा। टीम की ओर से पहले ओवर बाउंड्री पहला छक्का। दीपू लेप्टी का मैच आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। फिर से तैयार है शैलेंद्र, दीपू लेप्टी का मैच आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे विकास के द्वारा, रिवर्स स्वीप में सीधा छह, एक और रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, मारने का प्रयास लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं।
एक बार फिर से तैयार है सिलेंडर अपने बोलो रहना शानदार शॉट खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे विकास के द्वारा और एक और चार रन फाइनल लेग पे लेग क्लास कर दिया है इसी के चलते 16 रन बिना किसी नुकसान के। इसी के चलते एक और चौका यहाँ पे वैसे देखा टीम संदीप में ऐड होता हुआ और इसको अलग एम्पायर के पास से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया चार रनों के लिए। अलवर का मैच भी जल्दी ही देखने को मिलेगा पंकज जी आपको सलेंगे द्वारा मिड विकेट को थोड़ा स्क्वायर किया जा रहा है सर से दीपू लेफ्टी का मैच जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको। एक और बढ़िया बॉल यहाँ पे शैलेंद्र की अंदर की तरफ इनसाइड एज लगा और कोई रन नहीं। इस ओवर से अब तक पूरे 12 रन आ चुके हैं। पिछले ओवर में काफी अच्छी बैटिंग करी बॉलिंग करी थी यहाँ पे राजू बालड़ी ने। एक और रिवर्स स्वीप की कोशिश और बॉल यहाँ पे कर दिया है शैलेंद्र ने विकास को। विकास की रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश पर पूरी तरह चकमा खाए और इसी का फायदा उठाया बॉलर ने सीधा कर दिया है क्लीन बोल्ड। इसी के साथ 2 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप से कवर टीम को पहला पंकज मेहरा जी को मैं बता दूं अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है अलवर की टीम को लेकर कि उनका मैच आज है या कल। जब भी होगा पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बनाकर के आउट हुए हैं 6 गेंद पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से। गेंदबाजी भी अच्छी की थी इन्होंने। भैया दीपू लेफ्टी का मैच आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है उनके मैच को लेकर। जब भी आएगी आपको पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि दीपू लेफ्टी का मैच कब है। भैया बोलर नेम भैया विकास का स्थान लेने के लिए परवीन। अब हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं हुक्मी राम जी, आपका धन्यवाद। अभिषेक जी, जी हाँ दोस्तों आपकी सेवाओं में वापस हाजिर हो चुके हैं। शानदार जोर कराने की कोशिश कामयाब भी हुई लेकिन खुद मैच का हाल गेंद के लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया दौड़ कर दोनों 27 तारीख को बीकानेर का मैच बताया जा रहा है। महिपाल जी, राम राम साहब, मिस्टर अनवर अली जी, पंकज मेहरा, लोकेश मीणा की बैटिंग आज नहीं है, 26 तारीख को खेलेंगे लोकेश परवीन। दीपू भाई लेफ्टी का मैच 26 तारीख को है। अभिषेक भैया थैंक यू, मिस्टर अमन योगी, छोटी गेंद मिली है और ये छोटी गेंद जाएगी फील्डर के हाथों में। वाह भाई वाह, एक अनबिलीवेबल कैच लपका है, अविश्वसनीय कैच, इंटरनेशनल लेवल का कैच लपका है। ऐसे कैच अक्सर हम आईपीएल बिग बैश या इंटरनेशनल T20 मैचों में देखते हैं। बहुत ही अच्छा एफर्ट, शानदार फील्डिंग, आते ही चमत्कार। राजू पालड़ी और इमरान भाई की टीम फील्डिंग कर रही है भाजी साहब, दूसरी पारी चल रही है ये। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये स्टार प्लेयर आए हुए हैं, अगर दिन में पता चल जाता तो दिन में पोस्ट कर देते। अच्छा शॉट था लेकिन शॉट से भी अच्छा कैच था। थैंक यू मिस्टर महेंद्र सिंह जी डगाना, बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। 17 के स्कोर में खतरा हुआ है दूसरे विकेट का। फील्डिंग कर रहे हैं शानदार, 2.2 के बाद स्कोर 17। डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा, 70 रन अभी भी और चाहिए। रन गति ठीक ठाक चल रही है लेकिन लगातार गिर रहे विकेट, जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं यहाँ पर टीम संदीप शेखावत क्लब के। भरत का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मंगल भैया, मंगल भैया 5% बचा। पटकी हुई गेंद और इस पटकी हुई गेंद को पटक दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन, आते ही नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका, टीम का स्कोर बढ़ता है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शॉट कुछ गेंद पटकी हुई, बल्लेबाज भाग चुके थे फुटबॉल पर गए और शानदार के बाहर 4 रनों के लिए। नाम सेमी आए हैं बैट्समैन, आते ही चौके के साथ शुरुआत की है।
दबाव हटाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर जो विकेट का दबाव ये खराब गेंद दबाव नजर आ रहा है मोनी के ऊपर यहाँ पर अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा जी नहीं सैरानी आबाद का मैच नहीं है जी नहीं आज सेकंड राउंड का कोई मैच नहीं होगा चाहे कोई सी भी टीम जीते एक बार फिर से तैयार प्रवीण बहुत बढ़िया शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र पर इस बार भी बढ़िया फील्डिंग इस फील्डर के द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 दो विकेट के नुकसान पर धन्यवाद दोस्तों वापस जुड़े आप हमारे साथ और इस लाइव प्रसारण को शेयर जरूर करें बड़ा मुकाबला है बड़े सितारों के साथ प्रवीण की गेंद का ये गेंद भी बल्ले पे चढ़ गई है मगर इस बार बाउंड्री से पहले रोक लिया जाएगा काफी बड़ा ग्राउंड है ये जी नहीं सैरानी आबाद का मैच नहीं है भाई साहब मिस्टर खान सैरानी एक बार फिर से प्रवीण तैयार है शानदार गेंद छोटी गेंद और यहाँ पर बड़ी सफलता वाह भाई काना काना ने यहाँ पर माखन लूट लिया है तीसरे विकेट का पता बहुत ही कमाल का कैच हवा में जंप करते हुए कन्हैया को लगने वाला तीसरा झटका नितिन दारू साहब हालचाल बढ़िया है और दारू साहब अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि बीकानेर टीम भी खेलने आएगी यहाँ पर 27 तारीख को मैच बताया जा रहा है जी नहीं भाई जी मैं यही बता रहा हूँ सैरानी आबाद का मैच यहाँ पर नहीं है पहले बल्लेबाजी करते हुए राजपूताना की टीम जी बिल्कुल मनीष भाई बहुत ही कमाल का कैच लपका है काना ने इस प्रकार बहुत अच्छी गेंदबाजी कार्बन कमाल कैच होता है उसी प्रकार आज काना कमाल कैच हुआ ये तीन विकेट निकल के आई थैंक यू मिस्टर काना बाजी पहले अच्छी बल्लेबाजी रही थी उसके बाद में अच्छी दोस्तों काना भाई को मैं भैया बैट्समैन ने काफी समय से जानता हूँ हमारे मेड़ता शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है मेड़ता प्रीमियर लीग उस टाइम उस समय ये ऑनलाइन लाइव टेलीकास्टिंग सिस्टम नहीं था उस समय काना भाई खेलने आया करते थे वहाँ पर बैट्समैन को राहुल है यहाँ से 42 बोलो पर 25 है भी राहुल और यूनिक इमरान आए गेंदबाजी डेक पर राजस्थान टेनिस क्रिकेट पहले तीन ओवर की सबसे महान शख्सियत 32 ले जाती है आपके सामने 62 करने हैं 42 बॉल पर यहाँ से अब बहुत बढ़िया गेंद थी सी डबल से खेले हुआ शॉट पीछे खिलाड़ी है शानदार शॉट हालांकि रन एक ही मिलेगा आपको चौथा ओवर शुरू हुआ है यूनिक इमरान भाई का ये पहला ओवर रहा यहाँ गेंदबाजों का विकेट आई साथ में किफायती गेंदबाजी के चलते रोक के रखा है का मैच 27 तारीख को है थैंक यू मिस्टर सदाम दबाग गेंदबाज के तौर पे अगर यहाँ से रन बचाव आप करना चाहते तो इस प्रकार की गेंदबाजी कर सकती है और वही काम किया है गेंदबाजों ने पकड़ में है ये खेल अभी तक एक और अच्छी गेंद यहाँ पर रक्षात्मक शॉट खेला है सुरक्षात्मक शॉट डिफेंसिव क्योंकि नहीं आती है तो डॉट गेंद डालती है इस फॉर्मेट के अंदर क्योंकि डॉट गेंद आती है तो फिर दिक्कतें बढ़ती है रिक्वायर्ड बढ़ता है जब रिक्वायर्ड बढ़ता है तो फिर विकेट मिलने के चांस अपने आप बनते चले जाते हैं बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है इमरान भाई के द्वारा यहाँ आपकी अपील जरूर लेकर मना किया बनाए गेंदबाजों के चलते रन बनाए जा सकते हैं लेकिन आसान नहीं 39 पे चाहिए एक साथ इसे कहते हैं मैच में जी जान लगाना की आवश्यकता इस प्रकार के मैचेस जीतने के लिए बहुत ही कमाल की फील्डिंग यहाँ पर गेंद निकल के जाते तेज गति के साथ दौड़ते गेंद के पीछे अच्छी फील्डिंग राम राम मिस्टर रन हरिप्रसाद जी सिरोही ये चाहिए यहाँ इस प्रकार के एफर्ट्स करेंगे तो आप खेल में बनेंगे बढ़िया गेंदबाजी इमरान भाई के द्वारा अभी तक मात्र 3 ही रन दिए हैं 28 अभी भी चाहिए यहाँ से 38 बॉलों पर यूनिक इमरान गेंदबाजी के लिए आए इस ओवर में किफायती गेंदबाज विकेट भले ही नहीं आई हो लेकिन इस समय आवश्यकता किफायती गेंदबाजी की और ये काम करके दिखाया है गेंदबाजों ने अभी तक ओहो वाह भाई वाह कोई जवाब नहीं इस गेंदबाजी का ये तो सबसे बड़ा हमला है
कमाल की गेंदबाजी यूनिक इमरान भाई के द्वारा। जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज की सबसे महान यूनिक इमरान, गजब की गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद बल्लेबाज को बाहर लेके जाएगी। 3.5 के बाद बल्लेबाज को पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, दिक्कतें बढ़ती हुई। व्हाइट के भरोसे खेला इस गेंद को लेकिन गेंद लेग स्टंप ले उड़ी। ये है अनुभव मिस्टर यूनिक इमरान का। रन चेस हमेशा दिक्कत रहती है रन चेस के अंदर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यूनिक इमरान को लेके आते, नए गेंदबाज के रूप में आते हैं। सफलता साथ में की ओवर में सफलता दिलाई। अब आ रहे हैं बल्लेबाज रिजवान मंसूरी, ये इनका क्रिक हीरोज करियर 47 मैच 32 इनिंग 337 रन और 41 बेस्ट। इस मुकाबले में 37 बॉल पर यहाँ से अब 59 रनों की आवश्यकता। बढ़िया बैट्समैन नेम रिजवान मंसूरी, रिजवान मंसूरी। अगला मैच दिलीप सिंह यादव का। कुछ हिट चाहिए, कुछ ताबड़तोड़ शॉट चाहिए, ताबड़तोड़ ने पड़ेंगे यहाँ से अगर खेल बनाना है तो। ये भी गजब की गेंद थी लेकिन यहाँ पर संभल कर खेला रिजवान ने। स्कोर 28 रन, 4 विकेट गवाए, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद 7 रन हर ओवर से आ रहे हैं। अब लगभग 10 रन बनाने हैं हर ओवर से, हर ओवर में 10 रन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। शैलेंद्र सिंह, अरे वाह भाई वाह, आज तो शैलेंद्र सिंह भी आए हुए हैं गेंदबाज बैटिंग करने तो यहाँ से काम करेगा आपके लिए। 36 बॉल 59 रन, ये है कहानी यहाँ से मैच की। 4 विकेट गिर चुके हैं शैलेंद्र सिंह, जोधपुर जिले के अच्छे गेंदबाजी सुपर स्टार ऑलराउंडर है, हाथ लगी है। इतने बड़े स्टार प्लेयर आए हुए हैं लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि हमें ये सोचना भी नहीं मिली, इमरान भाई ने भी नहीं बताया हमें। इमरान भाई की जिम्मेदारी थी बताना चाहिए था करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के सुपर स्टार है, टीम बड़ा सा क्लब जोधपुर की तरफ से खेलते हैं। फील्डिंग की बात करें तो खिलाड़ी बाहर निकाले आप, ये इनसाइड के बाहर आउटफील्ड की फील्डिंग नई और शुरुआत। अब पहली गेंद सेलसा की, विकेट के साथ डाले बॉल खेला जरूर, पीछे फील्डर आएंगे डीप में टिकड़ी खिलाड़ी, सिंगल ही मिल पाएगा वहां आपको, सिंगल नजर फिर पड़ने वाला है राजपदर टीम तो यही चाहिए, बस सिंगल डबल ही बनाने दी जाए, बाउंड्रीज बचाई जाए, यही कोशिश होगी यहां से गेंदबाजों की। और वही आवश्यकता है बाउंड्रीज की संदीप शेखावत की टीम को और यही लहाई चलेगी इस समय। फुलटॉस गेंद यहाँ पे एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा थी, बिल्कुल सही गेंद थी, फुलटॉस जरूर थी लेकिन नो बॉल नहीं थी, मांग यहाँ जरूर की थी नो बॉल की लेकिन एम्पायर ने मना किया, सिंगल के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। 57 चाहिए रन बचाते उस समय गेंदबाज, अब यही लड़ाई है, एक टीम बाउंड्री बचाना चाहेगी, एक टीम बनाना, क्या कौन सी टीम क्या काम कर पाएगी। अच्छा शॉट, अच्छी खासी, ये कमाल का शॉट खेला है, सीधा मैदान के बाहर भेज दिया है, गेंद को फ्लाइट बना दिया है और इसे हवाई पट्टी से उड़ा दिया है, सीधा 6 रनों के लिए। इस बार बल्लेबाज हावी है, लेंथ बॉल था, अच्छा शॉट डीप मिड के ऊपर से, छक्का यहाँ मिलेगा। 36 रन, 51 चाहिए 33 बॉल पर, रन बनाए जाते हैं इस प्रकार के, बस खेलते रहिए, ये खेल ही ऐसा भाई कभी भी बदल सकता है, जीवित है ये मुकाबला अभी। इसी बीच एक और फुलटॉस गेंद, यहाँ पे एक मौका था लेकिन सिंगल और ये कैच नहीं हो पाया, कुछ भी हो सकता है। बहुत स्वागत करते हैं मिस्टर कयूम भाई, बहुत बार बनते बालिया हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, कयूम भाई देशवाली का स्वागत, धन्यवाद कयूम भाई, ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे और मैच का आनंद लेते रहे। तो प्रेशर रिलीज वाला शॉट जवाब गेंदबाज के ऊपर बना था वहाँ, देखा था बाउंड्री हो रहा है तो फिर प्रेशर, ये अच्छी गेंद थी, विकेट के बिल्कुल करीब से गुजरी, खतरे से खाली नहीं था ये शॉट सिलेक्शन, विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंदे आप नहीं चाहेंगे, यहाँ से डॉट गेंदे आएंगी तो दबाव बनेगा बल्लेबाजों के ऊपर, बल्लेबाजों की तो कोशिश नहीं होगी, समझिए विकेट नहीं भी आते तो डॉट गेंदे निकाले आप। फिर से एक अच्छी गेंद वापसी करते हुए सेलसा यहाँ पर छक्का खाने के बाद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 37 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद 37, 4 विकेट गवाकर अब अगले 50, अगले 5 अब तक का स्कोर कार्ड, पहले 5 से बनाए आपने 37, 5 ओवर में 50 रन चाहिए और अगले 50 में चाहिए आपको 50। जी हाँ बलवंत सिंह खेल रहे हैं, सॉरी अगले 30 बॉलों पर चाहिए 50, 5 ओवर के। मेरे भाई काना का कमाल का केस था, वो पूरा रिकॉर्ड किया हमने काना जी, रील जरूर बनाना उसपे, लेकिन अच्छे पहले गेंदबाजी अच्छी लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत क्या। जगदीश प्रसाद जी सोनिया का स्वागत,
आगाज जो थैंक यू मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सुधार हमारे साथ जुड़े हैं ईरोड तमिलनाडु से, जिसका आगाज से बड़ा अंजाम अच्छा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर तारीफ काबिल रहेंगे आप। बहुत ही कमाल का शॉट खेला है यूनिक इमरान ने, इस गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया है बल्लेबाज सेमी ने। गति का सही उपयोग किया था, कोई फील्ड था नहीं हुआ फाइन लेग के ऊपर से। शानदार शॉट सिलेक्शन इस युवा बल्लेबाज के द्वारा, एक तरफा पहली बॉल छक्के के साथ एक तरफ से डटे हुए हैं सेमी, हार नहीं मानने से मानी है सेमी ने अभी पहली बॉल से। यहाँ पे काफी तेज बल्ला घुमाया, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया लेकिन हेलीकॉप्टर की पायलट सीट में नहीं बैठ पाए सेमी। बॉल से छक्का आ जाता था, फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर रहता है और दबाव में रहेंगे इस समय क्योंकि अभी भी चार बॉले बची है इस ओवर में। फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छा शॉट जो लगा रही करे धुआं ने पीछे, फिर तेज गति के साथ आएंगे इसका लेकिन दौड़ना चाहते हैं दूसरे के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग खाना के द्वारा। सिंगल का मौका एक ही बना, राम राम मिस्टर बाबू गुजर। 27 पे चाहिए यहाँ से, अब सिंगल सिंगल जोड़ी है भैया, दो नहीं अभिषेक भैया, 43 रन चाहिए 27 बॉलों पर यहाँ से। इसी बीच अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद थी और दोस्तों इसी बीच हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं मिस्टर पुखराज जी जाट गांव डांगावास से, हमारे गांव डांगावास के भामाशाह और युवाओं के आइडल मिस्टर पुखराज जी खदाव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद पुखसा। अच्छा मैच चल रहा है जयपुर शहर के अंदर, गेंद बल्ले पे आई तो है, देखते हैं कहां तक भागेगी। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट्स इस समय दिखाते हैं, सिंगल और अच्छा बैकअप यहाँ पे ऋतिक के द्वारा, सिंगल के साथ स्कोर 45 सब चाहिए यहाँ से 42। कुमार विजय राम राम साहब विजय भाई, कमाल खेल चलता है समय, लड़ती हुई समय दोनों टीमें, रन आए इस ओवर से बाउंड्री चाहिए, अगर अंत अच्छा होगा इस ओवर में तो खेल बनेगा, 42 चाहिए क्या बाउंड्री आएगी अंतिम बॉल पर, जरूर चाहिए यहाँ से भी सोनू। टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले पे आई नहीं, इसी के साथ छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी की है इमरान भाई ने और अपने सफल स्पेल को किया समाप्त, दो ओवर में मात्र 11 रन दिए हैं और एक बड़ी सफलता अपने खाते में दर्ज की है। अच्छी गेंदबाजी, 6 ओवर का खेल समाप्त, 6 के बाद 45 पे 4 और अब चाहिए 42 24 बॉल पर, 24 गेंदों में 42 रन और चाहिए, आधा सफर तय हुआ, आधा सफर अभी भी तय करना है, 42 रनों की आवश्यकता। पवन गुज्जर का मैच देखते हैं कब होता है, अगर नजर डालते हैं तो लगभग 10.5 रन चाहिए लेकिन रिक्वायर छोड़ दीजिए आप, अब कोशिश यही करें कि यहाँ से रन बनाने की कोशिश करें, लड़ती हुई समय दोनों टीमें 42 रन बचाते चाहेगी। 24 को गेंदबाजी अटैक पे आए हैं राजू पालड़ी, मगरा के महारथी यॉर्कर स्पेशलिस्ट मिस्टर राजू पालड़ी का स्वागत है। छोड़ दीजिए बस, अब 42 रन चाहिए 24 बॉलों पर। पहले ओवर में राजू भाई ने मात्र 4 रन दिए थे, उस टाइम मैं मौजूद था नहीं कमेंट्री पे, यॉर्कर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं राजू भाई, किस गेंदबाज की जिन्हें कप्तान यहाँ काना भाई मैंने नया नाम दिया है मगरा के महारथी, गेंदबाजी करे ये बहुत महत्वपूर्ण है या मगरा के महाबली, यहाँ से अगले दो ओवर काफी कुछ तक तस्वीर साफ करेंगे इस मुकाबले की, किस गेंदबाज की ओर यहाँ से जाना चाहेंगे आप। भोपाल के अंदर एक शानदार टूर्नामेंट हुआ था लेम टूर्नामेंट लेम ट्रॉफी, उसमें शानदार प्रदर्शन किया था और यहाँ पर भी प्रदर्शन जारी है। ये लीजिए काना कमाल कैच, वाह भाई काना, कन्हैया ने एक बार फिर से माखन लूट लिया यहाँ पर, समय विकेट या फिर डॉट लेकिन यहाँ विकेट निकल के साथ में डॉट पर आएगी। नदीम भाई का मैच होगा यहाँ पर 26 तारीख को, टोटल 64 टीमें खेल रही है मौलाना साहब, डगआउट में संकट के बादल इस समय शेखावत टीम के ऊपर क्योंकि एक विकेट गवाए साथ में एक डॉट बॉल आई, 23 पे चाहिए 23 गेंद 42 रन राजू को लेके आते से पहले अच्छी गेंदबाजी रही थी, 4 रन दिए थे पिछले ओवर में और यहाँ आते से विकेट निकाल के दिया अपनी टीम के लिए, विकेट चाहिए थी यहाँ और वो काम करके दिया है राजू ने। भैया नाम क्या है, कुछ रन चाहिए जरूर यहाँ से लेकिन यूनिक पुष्पेंद्र सिंह ने बेस्ट ऑफ लक भेजा गाना के लिए, अभी टीम के ऊपर आपका मैसेज पहुंचाते हैं इस गेंद के बाद। एक और अच्छी गेंद, फिर से राजू खुद नीचे है और शायद गेंद तक पहुंचे नहीं, ब्यावर के प्लेयर खेल रहे हैं साबू राजस्थानी भाई,
काना राउत खेल रहे हैं, यूनिक इमरान खेल रहे हैं, शेलसा भी पधारे हुए हैं। शेलसा ने भी मुझे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ आज खेल रहे हैं। भाई शेलसा आज पता नहीं सभी प्लेयर किस खेल नीति के साथ आए हैं। शायद काना ने सबको मना कर दिया था कि कोई अपना नाम ओपन नहीं करेगा आज के मैच के लिए। जी बिल्कुल मौलाना साहब, गुजरात के प्लेयर खेलने के लिए आएंगे यहाँ पर। बहुत ही तेज गति से गेंदबाजी करते हैं राजू, राजू पालड़ी एक्सप्रेस आपके पास, मगरा के महाबली। अच्छा गेंदबाजी राजू आए आते से किफायती साथ में विकेट लेके आए। बाएं हाथ के गेंदबाजों खेलना आसान रहता नहीं है। अच्छा वो निकल के आता हुआ, एक और सीटी बजाती हुई है गेंद, भी गति के साथ बीट करेंगे। बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज है मिस्टर राजू पालड़ी। 141 पलक झपकते ही गेंद निकल जाती है पालड़ी एक्सप्रेस। 41 रन 46 है समय टोटल। एक और रन बचाव में थोड़ा सा आगे कह सकते हैं आप राजपुताना की टीम को। इससे पहले भी रन बचाए गए थे पहले मुकाबले में। पटकी हुई गेंद नहीं समझ पा रहे हैं बल्लेबाज। इस गति के आगे नतमस्तक हो रहे हैं बल्लेबाज। 1941 चाहिए। जी हाँ अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं। विकेट आए मात्र एक रन आया 100 ओवर से। कमाली गेंदबाजी, अच्छा हवा निकल के आता, कहानी में बदलाव आता हुआ ये ओवर। यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, हेलीकॉप्टर उड़ा तो नहीं है लेकिन ये रेंगता हुआ हेलीकॉप्टर एक रन देके जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ओवर की समाप्ति मात्र इस ओवर से 2 रन की फात, मात्र 2 रन दिए इस ओवर से। 7 के बाद 48, 7 के बाद 48 भी शामिल है। 18 बॉलों पर अब 18 गेंदे बची, 18 गेंदों में रन चाहिए 40। उस्मान पटेल साहब शायद आ सकते हैं, भाई साहब मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं सिविल लाइन्स 11 की तरफ से। अब यहां से एक मजबूत खेल नीति तैयार करते हुए 7 ओवर के बाद 47 समय और 40 रनों की और आवश्यकता है यहां से 18 बॉलों पर। किस गेंदबाज की ओर यहां से देखना चाहेंगे कप्तान, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हालात इतने है नहीं कि किसी भी गेंदबाज को आप लगा दें। निकी पे भरोसा सताया है कप्तान यूनिक इमरान ने। देते इस ओवर से पहले की ये ओवर और इसे अगला ओवर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, तो इसी के चलते कि और दोस्तों अब हमारे साथ लाइव में कनेक्टेड हो चुके हैं बाड़मेर के बाहुबली मिस्टर तरुण पवार। तरुण पवार भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, थैंक यू तरुण भाई। और यहाँ पे काना जी के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है तरुण भाई ने। 40 रन बनाए। काना भाई क्या कहना चाहेंगे तरुण भाई को? इस ओवर को थोड़ा बड़ा बनाने को देखिए आप, अगर इस खेल में आगे आना चाहते हैं। थैंक यू, वाह भाई वाह, सारे स्टार आने वाले थे यहाँ पे, हमें बस केवल हमें सूचना नहीं मिली। ओवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। थैंक यू तरुण भाई, यहाँ से उम्मीद करेंगे कि निकल के आए तो। उम्मीद करते हैं यदि आपकी टीम जीतते तो अगले मुकाबले में जरूर बता रहे आप। और ये लीजिए यहाँ पर कप्तान का भरोसा, बिल्कुल कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं निक्की। निक्की ने निकाल दिया है विकेट, मोस्ट वांटेड विकेट सेमी के रूप में। मुसीबत बनते नजर आ रहे थे सेमी राजपुताना टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे संदीप शेखावत कप्तान ने भरोसा जताया और भरोसे पे खड़े उतरे हैं गेंदबाज निक्की। बदलाव किया गया था गेंदबाजी में, नए गेंदबाज निक्की को लेके आए थे। और धन्यवाद सभी को दोस्तों, तो हमें पता नहीं था ये इतना बड़ा मुकाबला होगा, अगर पहले पता होता तो जरूर पोस्ट कर दें। 6 विकेट गवा चुकी है संदीप शेखावत, स्कोर मात्र 47 है बोर्ड के ऊपर। यहाँ से अभी भी 40 रनों की आवश्यकता है 17 बॉलों पर। जी हाँ गुजरात के प्लेयर खेलने के लिए आएंगे 40 रन और चाहिए। बदलाव किया गया था और बैट्समैन नेम सही साबित होता है कप्तान के लिए। उस्मान पटेल आएंगे टीम में सिविल लाइन्स 11 की तरफ से, जो काफी समय से रन बनाते इस मुकाबले में। उनको चलता गया इन्होंने, सोनू बंजारा का विकेट निकाल के दी। 17 बॉल में चाहिए 40 रवि आए हैं बैट्समैन और वापस तैयार है यहाँ पर निकी। न्यू बैट्समैन रवि आए, रात का समय क्या रवि चमक पाएंगे। हालात है बना यहाँ से अपनी टीम के लिए, लेकिन निकी ने अपने काम करके दिया, आते से विकेट निकाल के दिया अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद हालांकि बल्ले पे आई तो है चलाइए, लेकिन मगर इस दिशा में फील्डर देना नहीं मिल पाएगा वहाँ आपको।
रास्ते चाहिए लेकिन कुछ हवाई तो काम बने संदीप शेखावत के लिए। सॉरी अखिल भाई, मुझे पता नहीं था आप इसी मैच की बात कर रहे थे क्या, मैंने सोचा आप राणा सर मैच की बात कर रहे हैं। मुझे यदि पता होता तो मैं जरूर पोस्ट कर देता। त्रिलोक और रवि, यूनिक इमरान भाई को सलाम भेजा है मुजीद कठात ने। एक और अच्छी गेंद, विकेट की जड़ों में फेंकी गई गेंद, फ्रंट फुट को खोला था उन्होंने, अच्छी गेंद मारी। यहाँ पे एक रन एक्स्ट्रा मिल सकता था लेकिन नहीं आया। रमेश गुरु जी का मैच कब है यारों, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। करण जयपुर का मैच राजा मुराद खान साहब यारों, देखते हैं कब होता है। यदि करण भाई खेलते हैं तो 26 तारीख को होगा उनका मैच। 15 बॉल और 3 शॉट चाहिए, रिक्वायर्ड का मसला कर यहाँ रिक्वायर्ड के लगभग 15 चाहिए हर ओवर में। बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल आएगी, अच्छी गेंदबाजी। बाएं हाथ के बल्लेबाज रवि के लिए छका बल्लेबाज को एक और डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी हो रही है निक्की के द्वारा। तो रन बचाव में आगे निकलते पहला मुकाबला भी विश्वास जताया, मुकाबला हार गई थी और उस विश्वास को निभाया है। यहाँ है 87 और गेंदबाज निकी ने, ये गेंद बल्ले पे आई तो है लेकिन देखते हैं जाएगी कहाँ, पहुंचेंगे नहीं बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी। दौड़कर पूरे किए गए, दो ही मिल पाएंगे वहाँ। 36 चाहिए यहाँ से 13 बॉलों पर, खेल है ये भाई, छोड़ नहीं सकते आप क्योंकि कल का मुकाबला था। 39 चाहिए, बिल्कुल राजस्थान रेंजर्स क्रिकेट में सबसे घातक गेंदबाज है राजू भाई पालड़ी। खेल ऐसा है बहुत बार बदलते हुए देखा है, किसी का भी सगा नहीं है, खेल पकड़ना पड़ता है मजबूती के साथ। ये गेंद बल्ले पे चढ़ गई है, जा रही है गैप में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कड़क चोट बेधड़क चोट सीधा 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद एक खूबसूरत सिक्स आया है, अभी तक अच्छा ओवर कट रहा था लेकिन इस आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया रवि ने। 12 बॉल बचाए रहेंगे, 30 रन यहाँ से जो कि बनाए जाते हैं स्कोर में। 12 गेंदों में 30 रन चाहिए सेल साहब। पालकिशन जी पारिक साहब, मैं क्या करूं यार, मेरे पास भी अपडेट आई नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्टार आएंगे इस मैच में। शक्ति के साथ क्या इस ओवर का है, इस ओवर शायद 10-57, मैंने तो मैचों की लिस्ट भी। 30 रन चाहिए यहां से 12 बॉलों पर। अब उत्तरी गिरोह से पता की थी इस प्रकार के खेल में, लेकिन ये ओवर भी महत्वपूर्ण। यहां से अब राहुल लसाड़िया की तरफ से पार्टी दी जाएगी पूरी टीम को, ये घोषणा कर रहे हैं शकील कबड्डी। 12 बॉलों पर बॉल, संदीप शेखावत क्या कर पाएंगे। बहुत शानदार शॉट खेला, लेकिन सुपर फील्डिंग, वाह भाई ऋतिक की फील्डिंग, ऋतिक ने रोशन कर दिया है। एक दौड़ के दूसरे भी दौड़ के रूप में जरूर तीसरा हाना हाना, लेकिन मना करके मिला करना पड़ गया। पहली बॉल पे दो, इन दोनों का राम मिस्टर महेंद्र सिंह जी चाहिए 11 बॉलों पर। रंगलाल जी चौधरी, राम राम सा, शाकिर भाई खेलेंगे सिविल लाइन्स 11 की तरफ से। जरूर चाहेंगे इस ओवर में रन से, ये छोटा बॉल था लेकिन ऑफ स्टंप पर आ गया था इस बार। अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ शॉट कीपर में खड़े खिलाड़ी के द्वारा राज बताया अपनी टीम के लिए। एफर्ट्स साफ दिखते हुए समय, बहुत ही शानदार गेंद, कौन सी डाला था दृष्टि, कौन बल्लेबाज का था जरूर लेकिन पूरी तरह वंचित रह गया। 10 बॉल 28, अच्छी गेंदबाजी, ये चाहिए वापसी ही गेंदबाज की। बाउंड्री ढूंढ रही है समय संदीप से काबा, त्रिलोक को रवि चाहिए बाउंड्री जाए तो प्रेशर बने गेंदबाज के ऊपर। बहुत बढ़िया शॉट खेला है, पीछे फील्डर है, पीछे फील्डर है, सेफ हाथों में सिंगल ही मिल पाएगा वहां। 9-50-27 दबाव है गेंदबाज के ऊपर क्योंकि जब सेकंड लास्ट वो आप डाल रहे होते तो दबाव में रहते हैं गेंदबाज, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए, अब सिविल लाइन्स का मैच होगा 26 तारीख को। प्रवीण कुमार
दो विकेट है इनके, विकेट एक कॉलम में अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण समय पर लेके आए। बहुत अच्छी गेंद नीचे रहते निकली है, गेंद सेल साहब नीचे हैं, मजबूत दीवार, अच्छी फील्डिंग सेल साहब के द्वारा, बनी मजबूत दीवार। दोस्तों मैं आपको बता दूं सेल साहब भी लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे, ब्यावर से ही हैं, स्पेशली ब्यावर में ड्यूटी है इनकी, शारीरिक शिक्षक हैं पीटीआई जी, यहाँ से वैसे जोधपुर नांदरी से हैं और करेंगे तो कहानी में कुछ बदलाव, सेवाएं दे रहे हैं अपने ब्यावर के अंदर, खेल आपके हाथ से दूर निकल चला जाएगा। आठ गेंद 25 रन, आठ बॉल 25, ये दो इम्पोर्टेंट गेंदे, देखते हैं इन गेंदों पर क्या होता है। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर से, फुल टॉस गेंद, फुल टॉस लेकिन टोल मिला नहीं है, देखकर जाना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग, सिंगल मिलेगा यहाँ, अच्छी गेंदबाजी, ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर था अगर राजपूतना के लिहाज से देखा जाए तो, उसमें अच्छी गेंदबाजी प्रवीण की, इससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी थी, पहले ओवर में दो विकेट आई, किफायती गेंदबाजी साथ में, अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी, 25 चाहिए अभी भी, 24 चाहिए यहाँ से 7 बॉलों पर। प्रवीण अंतिम ओवर, क्या बाउंड्री के साथ खत्म करना चाहेंगे आप? बहुत ही कमाल की गेंद, गति के साथ पर की ड्यूटी, काफी तेज गति से फेंकी गई गेंद, सफल स्पेल रहा प्रवीण का, ये ओवर आए इस मैच के लिए, वाजिद राणा का मैच देखते हैं यारों, कब होता है, जिस दिन होगा हम आपको बता देंगे। मात्र 6 रन तो अब चाहिए अंतिम 6 बॉल में, 24 रन, 6 गेंदों में 24 रन चाहिए, यानी कि 6 के चौके लगाने या फिर 4 छक्के लगाने हैं, आप क्या 4 छक्के लगा पाएंगे? 6 बॉल पर चाहिए 24, 63 इस समय टीम का, आज के पहले मुकाबले में 77 रन बचाए गए थे, यहां 87 थे, अच्छी गेंदबाजी के चलते 24 चाहिए अब अंतिम 6 बॉलों पर। गेंदबाज निक्की रहेंगे, पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी निक्की से, अंतिम गेंद पर छक्का जरूर आता लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही थी ओवरऑल, यहां 24 रन बचाने के लिए आए निक्की, चुनौती बल्लेबाज के सामने, खराब गेंद मिली है, पहुंचेंगे क्या रन बचा पाएंगे, खराब गेंद ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कैच के लिए गए थे लेकिन पीछे अच्छा बैकअप, सिंगल ही मिल पाएगा, शॉट जितना चाहते थे उतने डिस्टेंस मिले लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा डीप मिड में खड़े खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन पीछे उतना भी अच्छा, उतना ही अच्छा बैकअप, 5 पे 23 चाहिए, बाउंड्री की आवश्यकता, गेंदबाज जरूर चाहेंगे कि दूर रखा जाए बल्लेबाज से, लेकिन बल्लेबाज की कोशिश कितनी बड़ी रीच क्यों ना हो बाउंड्री बदल जाए, और ये लीजिए यहाँ पे कर दिया क्लीन बॉल निकी ने, वाह भाई निकी, निकी ने एक बार फिर से निकाल दिया, अच्छा गेंद, लोअर का लेंथ का बॉल स्टंप से टकराए, दो स्टंप उखड़े यहाँ, विकेट नंबर 6 सार पे चाहिए थे 20, बैट्समैन नेम, अच्छी गेंदबाजी, 24 चाहिए, निकी आए और क्लीन बॉल करके बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया, वो दूसरे विकेट निकल के आते निकी के लिए, 4 पे 23, 4 छक्के, क्या आप लगा भाई, पीछे बहुत ही शानदार शॉट लेकिन सीधा फील्डर की बाहों में, कुछ बचा नहीं इस मैच में, विकेट की कॉलम में जोड़ते निकी खाते में तीसरी सफलता हाथ लगेगी को, विकेट नंबर 8, और ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे हार मान ली है, अच्छा हार नहीं मानी, 3 गेंदे पूरी होगी, सेलसा की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, सुमेर साहब, सुमेर जी सारण ने बेस्ट ऑफ लक भेजा सेलसा आपको, 8 विकेट गवा दिया, समय संदीप से खबर मुकाबले से थोड़ी भाव है, समय 3
सुमेर जी पूछ रहे हैं सेलसा की गेंदबाजी कैसी रही आज? भाई दो बॉल नहीं आती है तो सेलसा अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है। हक में कहेंगे आप सुमेर जी के लिए क्या मैसेज देंगे सेलसा? गेंदबाजी रही थी बचाव के अंदर और मुकाबले फोर आउट के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है सुमेर जी आपके लिए सेलसा ने। ड्राइव किया पीछे फील्डर नहीं है यहाँ रन मिल सकते हैं क्या चौका मिलेगा? इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जरूर गई है। दो बॉल बचाइए 19। इंद्र सिंह ने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा है सेलसा के लिए। जी हाँ बल्लू ने बहुत ही कमाल का कैच लपका था और कैच खाना जी का कमाल का था खाना कमाल कैच। डॉट आएगा अब बस एक लास्ट सिग्नेचर बाकी इस मैच पर। लगभग मुकाबला राजपुताना के हक में है ये खेल पूरी तरह वो महज मात्र औपचारिकता शेष बचे इस खेल के अंदर हो लेकिन कमाल गेंदबाजी तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ गेंदबाजों की बचाव के अंदर अच्छी गेंदबाजी के चलते हक में रहा ये राजपुताना की खेल। और ये लीजिए मैच पूरा हुआ एक और विकेट उस प्रकार निकी के खाते में तो कुल मिला के चार सफलताएं मिली है निकी को। मैच बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए थी सेवन लगाए थे बोर्ड के उसके बाद अच्छी गेंदबाजी के चलते 68 रनों पर रोका संदीप शेखावत की टीम को। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इमरान भाई से निवेदन है प्लीज एक बार इमरान भाई से जरूर बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों हम ले चलते हैं आपको यूनिक इमरान भाई के पास। सबसे पहले तो इमरान भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। और इमरान भाई एक छोटी सी शिकायत कहेंगे इसे शिकायत करते हैं आज आप आ रहे थे और ना आपने हमें मैसेज करके बताया ना कोई सूचना दी ऐसा क्यों? अचानक से प्लान बन गया हुक्मराम जी के चलना है इन लोगों को लाया कि यार इमरान भाई हमने टीम डाली है नसीराबाद की टीम है तो उन्होंने ऋतिक भाई ने और सोल्जर भाई ने फोन किया चलना है तो फिर अचानक से टीम बनी। एंट्री तो इनकी पहले ही थी लेकिन हम नहीं थे फिर अचानक से हमारा राजू भाई का काना का मेरा आना हो गया और अच्छा लगा यहाँ खेल के अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और लाइटिंग वाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है और अच्छा माहौल है क्रिकेट का और आप अच्छा लाइव कर ही रहे हो वैसे। बिल्कुल इमरान भाई जैसा कि आप जानते हैं हम सब जानते हैं इनामी राशि के लिहाज से ये राजस्थान टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है 5,55,555 रुपए तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल इससे पहले नवलपुरा में हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जिले की टीम थी 4,44 था शायद वहाँ और यहाँ 5,55,555 यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इनामी राशि के तौर पे और जैसा लग रहा माहौल क्रिकेट का बहुत अच्छा लग रहा है और लाइटिंग वगैरह सारा अच्छा मैनेजमेंट है एम्पायरिंग भी अच्छे लेवल की हो रही है तो यहाँ खेल के हमारी टीम को और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इमरान भाई एक शानदार आयोजन का आप हिस्सा बने उसके लिए शुभकामनाएं और पहले ही मुकाबले में आपकी टीम ने जीत हासिल की है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कैसा रहा आज का प्रदर्शन पूरी टीम का बताएं कुछ? नहीं सबने मिलजुल के अच्छा खेला थोड़ी गलतियां हुई है पहले मैच में ग्राउंड से संतुलन तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है गलतियां हुई उस गलती को अगले मैच में नहीं दोहराएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू इमरान भाई हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। बस छोटा सा रिक्वेस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगली बार आओ तो प्लीज आप मेरे को मैसेज जरूर कर देना। थैंक यू पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा प्रदर्शन रहा। निकी भाई आपका प्रदर्शन लाजवाब रहा प्लीज एक बार आए इधर। निकी भाई आज आपने कमाल की गेंदबाजी की है 4 विकेट हासिल किए आपने तो कैसा लगा आज गेंदबाजी करके? पहली बात तो ये मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट टूर्नामेंट बहुत बड़ा खेला है और मुझे यहाँ लाने के श्रेय जाता है इमरान भाई को जो मुझे इस टूर्नामेंट में लेके आए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू दिल से बहुत बहुत आभार जो कि मुझे बहुत मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको मौका मिला है और पहले ही मैच में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टीम का सहयोग था और कॉम्बिनेशन से खेले तो मैं जीत। टूर्नामेंट कैसा लगा भाई साहब आपको? बिल्कुल अच्छा सबसे बड़ा मुझे लगा एम्पायरिंग जी बिल्कुल एम्पायरिंग हमारे राजू भाई एम्पायर हैं जो एम्पायरिंग लगी यहाँ की सबसे प्यारी और दूसरी लाइटिंग। यार 2 मिनट रुक जाओ यार भाई यार धन्यवाद दोस्तों इस लाइव को ये गेंदबाज बंद करवाएंगे हम तो बंद नहीं करने वाले थे। तो मैं नीचे